आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने आधार को कैसे आप लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। आपको पता होगा अगर आप अपने आधार को लॉक कर देते हैं, आप बैंक में या फिर किसी भी साइबर कैफ में जाते हैं, आप कहीं भी फिंगर रखते हैं तो आपका फिंगर मैच नहीं कर पाता है, वहां पे दिखाता है कि योर आधार इज लॉक्ड। तो आप चाहें तो अगर आपको किसी जगह ले जाया जा रहा है जहाँ पर आपको डाउट है कि कहीं लोग हमको फिंगर रखवाएंगे, या फिर आप किसी भी स्थिति में चाहते हो कि मैं कितने भी फिंगर रखूं लेकिन फिंगर मेरा नहीं उठाए, तो इस स्थिति में आप चाहे तो अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर देते हैं तो आपका आधार फिंगर यानी किसी भी काम का नहीं रहेगा, आपका फिंगर कहीं भी नहीं उठाएगा। इसलिए आधार कार्ड को लॉक करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप चाहे तो इसे आपातकाल इमरजेंसी सेवा के लिए अनलॉक या लॉक कर भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको पता होगा कि इस समय आधार कार्ड के नाम पे कितने फ्रॉड हो रहे हैं फिंगर रखवा कर। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक आधार कार्ड को अनलॉक या लॉक करने पे वीडियो बना दूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियोस को शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रोम, क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है UIDAI, या फिर आप चाहे तो myadhar.uidai.gov.in से भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन आता है लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक्स, इस पर क्लिक करेंगे बायोमेट्रिक्स। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ लॉक या अनलॉक के बारे में बताया है सर। आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर बायोमेट्रिक लॉक इनेबल इट विल नॉट परफॉर्म बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अंटिल आई अनलॉक बायोमेट्रिक्स, इस पर टिक आउट कर देंगे। लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक्स पर क्लिक करेंगे। देखिए, जो आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक करने का जो सिस्टम दिया है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आप इसे केवल जानकारी रख सकते हैं, आप इसे प्रैक्टिस ना करें। हो सकता है कि कभी आप बैंक के किसी किसी अर्जेंट काम में जा रहे हो और आपका आधार पहले से लॉक ही और टेक्निकल इशू हो, तो आपका आधार उस समय अनलॉक नहीं हो सकता है। अगर आप अपने आधार को लॉक कर सकते हैं तो आप ही अपने आधार को अनलॉक भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपके आधार को लॉक कर सकता है, अनलॉक कर सकता है। आप अपने OTP के थ्रू आप अपने चाहे तो सिस्टम या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, आप किसी साइबर कैफ से भी जाकर करवा सकते हैं या फिर आधार सेंटर से भी जाके करवा सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने आवश्यकता अनुसार ही अपने आधार को लॉक करें या फिर आप लॉक ही ना करें। जैसे मैं भी करता हूँ, अपने आधार को लॉक ही नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी सेवा में मैं अपने आधार को भी लॉक कर देता हूँ और बाद में अनलॉक करना नहीं भूलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अपने आधार नंबर को यहाँ पे इंटर करूँगा, अब यहाँ पे मैं कैप्चा को फिल करूँगा, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट OTP सेंड OTP पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लीज़ इंटर वैलिड कैप्चा दे रहा है, यानी मैंने कैप्चा को सही फिल नहीं किया था। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक इन मोबाइल। अब यहाँ पे हम लोग अपने आधार इंटर OTP या TOTP पे क्लिक करेंगे और हम लोग अपना OTP को इंटर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। अब ये दिखा रहा है लॉकिंग फीचर इनेबल डिसेबल बायोमेट्रिक लॉक, हम इनेबल लॉकिंग फीचर कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ लॉकिंग फीचर लॉग इन योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे दिखा रहा है कि योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड सक्सेसफुली, यानी मेरा आधार कार्ड अब पूरी तरह से लॉक हो चुका है। अब मैं कहीं भी फिंगर रखता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ तो मेरा फिंगर से काम नहीं हो पाएगा।
बायोमेट्रिक यानी फिंगर, मैंने अपने फिंगर को लॉक कर दिया है। अब किसी भी स्थिति में बैंक जाऊं या फिर पासपोर्ट ऑफिस जाऊं या फिर आधार सेंटर में जाऊं, कहीं भी साइबर कैफ में जाऊं पैसा उठाने के लिए, फिर किसी भी काम में जहां मेरा फिंगर लगता है तो वहां पे मेरा फिंगर नहीं उठाएगा और मैं चाहूँ तो किसी भी काम कभी नहीं कर सकता हूँ। और आप सबसे बड़ी बात ये, खुशी की बात ये कि अगर आप किसी क्राइम के लिए जा रहे हैं या फिर मान लीजिए कि कोई ज़बरदस्ती आपको लेकर जा रहा है तो आप अपने फिंगर को लॉक कर देते हैं, तो उस स्थिति में आपका फिंगर जो है अनलॉक नहीं हो पाएगा और लॉक ही रहेगा, जिससे आप अपनी बहुत से कामों को बचा सकते हैं, बहुत से साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इस स्थिति में आप चाहे तो अपने आधार को लॉक कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आधार को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियोस पे। मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपको इसमें कंप्लीट बता दूंगा। लेकिन हाँ, आपको आवश्यकता अनुसार ही अपने आधार को लॉक करने या फिर चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, केवल आपको जानकारी के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अब आपको मैं अपने आधार को अनलॉक करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग जाएंगे UIDAI के होम पेज पे। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। इसमें दिखा रहा था योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड सक्सेसफुल, यू विल नॉट एबल टू यूज बायोमेट्रिक। दिखा देख सकते हैं आप लोग फिंगरप्रिंट्स आइरिस। हम लोग अपने आधार को लॉक कर देते हैं तो मेरा हमारा फिंगर और आइरिस दोनों में से कोई भी काम नहीं करेगा फॉर ऑथेंटिकेशन, दस प्रिवेंटिंग पोटेंशियल मिसयूज दिखाएगा। बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच दिखाएगा या फिर कहीं कहीं योर आधार इज लॉक्ड ऐसा दिखाएगा। तो हम लोग अपने होम पे आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा दिखा रहा था अनलॉक लॉक या अनलॉक योर आधार, लॉक या अनलॉक योर बायोमेट्रिक्स, इस पे देख सकते हैं आप लोग। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना इसको अंडरस्टैंड इसको टिक आउट करेंगे, लॉक या अनलॉक पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको अपने आधार नंबर डालने हैं। अभी आप हम अपने कैप्चा को फिल करेंगे। अब यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इंटर पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग अपने कैप्चा को OTP को इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। अब दिखा रहा है लॉकिंग फीचर, योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड, अनलॉक बायोमेट्रिक करेंगे, यानी मेरा आधार पहले से लॉक था, अब हम लोग इसे यू विल नॉट एबल टू यूज, मतलब मेरा आधार कार्ड लॉक हो जाता है तो इस काम को हम लोग आयरिस या फिर फिंगर को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं। अनलॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दिखाएगा योर बायोमेट्रिक इज अनलॉक्ड सक्सेसफुली। अगर आप चाहें तो अपने आधार को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप अपने बैंक पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर कहीं भी चाहे साइबर कैप में आप अपने फिंगर को एक्सेस कर सकते हैं। दिखा रहा है योर बायोमेट्रिक इज अनलॉक्ड नाउ, यू गेट लॉक्ड ऑटोमेटिकली एट 31 जनवरी 2022 9:53 मैंने यू कैन यूज बायोमेट्रिक फॉर ऑथेंटिकेशन। तो देख सकते हैं आप अपने आधार को कैसे अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वीडियोस आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सके, इस टेक्निक्स को जान सके। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा।